भाई साहब क्रेटा सेल्टोस, क्रेटा सेल्टोस कौन सी गाड़ी लें दोनों में से, क्रेटा लें या सेल्टोस लें? लास्ट तक वीडियो देख लेना आपको समझ आ जाएगा, भाई साहब आपको भी समझ आ जाएगा। टॉप मॉडल ले रहा हूँ मैं क्रेटा लूँ या सेल्टोस लूँ? मुझे बेस वेरिएंट लेना है, मैं क्रेटा लूँ या सेल्टोस लूँ, कौन सा लूँ मैं? लास्ट तक वीडियो देख लेना। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे, मैं हूँ नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मिड साइज एसयूवी के बारे में, जो कि सबसे गर्म सेगमेंट है। भाई साहब धड़ल्ले से गाड़ियां आ रही हैं, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन पब्लिक के लिए जो है क्रिएट होते जा रही है। अभी हाल फिलहाल में दो नई गाड़ियां आई हैं, फिलहाल तो अभी क्रेटा आई है, क्रेटा फेसलिफ्ट, जो कि भाई साहब इतनी एडवर्टाइजमेंट हुंडई ने करी है, इतनी लोगों की पसंदीदा गाड़ी वो बन चुकी है। एंड पिछले साल जो आई थी वो आई थी सेल्टोस। तो आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि भाई साहब क्रेटा का फेसलिफ्ट एंड सेल्टोस के फेसलिफ्ट में से कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, विच वन इज द राइट चॉइस फॉर यू। सब सारे पैरामीटर्स को हम कवर करेंगे। तो भैया दो बहने हैं, ये दोनों में से किसके साथ रोका होना चाहिए ये बताएंगे हम। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहने हैं, दोनों के साथ मत कर लेना। चाहिए एक ही, लेनी गाड़ी एक ही होती है, लेकिन कंफ्यूजन इतनी हो जाती है कि कौन सी लें, कि भाई देखने बड़ी बहन को गए हैं, पसंद छोटी आ गई है। सबसे पहले तो अगर आपको नहीं पता तो हम बता दें कि दोनों गाड़ियां सेम है, दोनों गाड़ी एंड किया सेम, ढोलू बोलू है, सेम गाड़ी है, बट कुछ चेंजेस जरूर हैं गाड़ी के अंदर, मतलब कंपनी वगैरह सब सेम है, इंजन सेम यूज होते हैं, थोड़े बहुत 1921 फर्क आपको देखने को मिलेंगे, अदरवाइज कंपनी कार सा सेम। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि क्रेटा लें या सेल्टोस लें, इन दो गाड़ियों में कंफ्यूजन, तो ये वीडियो ना आपके लिए, लास्ट तक देख लेना, आपको मिल जाएंगे सारे जवाब कि इनमें क्या अच्छाई है और क्या कमियां और क्या सिमिलरिटीज हैं गाड़ी के अंदर, क्या आपको इन दोनों गाड़ियों पे रहना चाहिए या स्विच करके किसी और गाड़ी पे जंप कर जानी चाहिए। तो दोस्तों अगर तुम बात करें पुराने वाले वेरियंट की, लाइक सेल्टोस एंड क्रेटा के जो पुराने वाले वर्जन आते थे, तो उसमें जो है क्रेटा ज्यादा सुंदर लगती थी, प्रीमियम सोफिस्टिकेटेड लगती थी, एंड सेल्टोस थोड़ी सी मतलब वो चाइनीज सी लगती थी, मतलब कि इतनी खास नहीं लगती थी। लेकिन अब जो नए फेसलिफ्ट आए हैं, इसमें अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे इस बार सेल्टोस ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू क्रेटा। क्रेटा थोड़ी ओवरडन लगती है, अगर इंटीरियर वगैरह भी मुझे सेल्टोस के ज्यादा अच्छे लगे। अगर हम इन दोनों में ही कंपेयर करें, मैं और किसी गाड़ी से नहीं कर रहा, इन दोनों में की अगर हम बात करें तो सेल्टोस ज्यादा सुंदर लग रही है यार गाड़ी, देखने में बाहर से भी और अंदर से भी सोफिस्टिकेटेड लगती है, सोफिस्टिकेटेड लगती है कंपेयर टू क्रेटा। क्रेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ओवरडन कर दिया यार क्रेटा का जो डिजाइन है, ठीक है कई लोगों को पसंद भी आया, कईयों को नहीं भी पसंद आया। तो आज हम बात करेंगे, देखो चॉइस रहेगी दोस्तों लास्ट में आपकी, आज हम आपको बताएंगे कि फर्क क्या है इन दोनों के अंदर, स्मार्ट डिसीजन क्या बनता है, क्या डिसीजन बनता और कौन से वेरिएंट इसमें लेने वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि भैया सबसे ज्यादा हॉट सेगमेंट के अंदर ये गाड़ियां दोनों आती हैं और नंबर एक और नंबर दो पे हमेशा ये गाड़ियां चलती हैं। क्रेटा की कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग ज्यादा है, पुराना नाम है, ट्रस्ट ज्यादा हुंडई पे, तो कहीं ना कहीं क्रेटा का जो भोकाल है, जो मतलब सेल्स नंबर है, वो कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू सेल्टोस ज्यादा है। दोस्तों सबसे ज्यादा उसका कारण ये है कि क्रेटा और सेल्टोस के अंदर डीजल वेरिएंट भी आते हैं, जो कि सिर्फ इस सेगमेंट में यही दो गाड़ियां देती हैं, और लगभग 45% की करीब जो सेल्स है वो डीजल गाड़ियों की है आज भी इनके अंदर, बाकी गाड़ियां सिर्फ 50-55% पर लड़ रही हैं इनके साथ, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी पेट्रोल से पेट्रोल का कंपैरिजन है। लेकिन दोस्तों क्रेटा सेल्टोस में भाई साहब डीजल लेना बिल्कुल भी अकलमंदी नहीं है, बिकॉज इतने एक्सपेंसिव मॉडल चले जाते हैं। अगर हम क्रेटा की बात करें तो बेस मॉडल ही 14.5 लाख का, उनका जो डीजल का बेस वेरिएंट है भाई साहब 14.5 लाख रुपए का आपको देखने को मिल रहा है, नंगा मॉडल जिसमें कुछ भी नहीं आता, 14.5 लाख रुपए देकर भी बेस मॉडल लेना है जिसमें कुछ भी नहीं है, तो भाई डीजल इसमें लेना अक्लमंदी का सौदा नहीं रहा जो है। दोस्तों अब इसके वेरियंट्स पे आ जाते हैं, सबसे पहले जो इसके अंदर क्रेटा और सेल्टोस में नीचे के वेरियंट्स में आता है वो 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है मैनुअल के साथ, बिल्कुल, और थोड़ा ऊपर चले जाते हैं तो यही इंजन के साथ जो है आईवीटी आता है, जो कि बेसिकली सीवीटी है, सीवीटी आईवीटी एक ही बात है, लेकिन किया ने यहाँ पे अलग ही झोल कर रखा है, एक आईएमटी भी दे रखा है इसके अंदर बिना क्लच के जो है वो गियर नॉब दे रखी है, खाना पूर्ति वाला काम कर रखा है। मुझे तो पर्सनली वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, अगर आप लेना चाहो तो वो आपकी अपनी मर्जी है, चलाए हैं हमने बहुत अच्छे से टेस्ट किए हुए, कंफ्यूजन रहती है, ऐसी गाड़ियों की रीसेल भी कम मिलती है आईएमटी वाला जो वेरिएंट है, बिकॉज ये सिर्फ किया दे रही है और कोई नहीं दे रही, इवन हुंडई तक नहीं दे रही है। अगले इसके इंजन ऑप्शंस की तरफ आ जाते हैं, तो इसमें टर्बो इंजन भी आता है टॉप एंड वेरिएंट्स के अंदर और उससे एक नीचे वाले के अंदर,
बिल्कुल। और टर्बो इंजन इनका दोनों गाड़ियों में लाजवाब है, पावर वाइज रिफाइनमेंट वाइज एंड सेम आता है, सब कुछ सेम है। 160 bhp 253 nm का टॉर्क, सेम इंजन है। सेल्टोस में भी, क्रेटा में भी, वरना में भी, अल्काज़ार में भी, कैरन्स के अंदर भी, सब में एक ही इंजन डाल दिया है इन्होंने, सेम स्टेट ऑफ ट्यून के सब। हाँ, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है इंजन सेल्टोस के साथ। बिल्कुल, सेल्टोस में काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, क्योंकि सेल्टोस के अंदर दोस्तों इसको थोड़े से सस्पेंशन को इसके स्टिफ रखा गया टर्बो इंजन के साथ। तो अगर तो आप टर्बो इंजन के साथ इसका वेरिएंट लेना चाहते हो तो आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए सेल्टोस। एंड दोस्तों टर्बो इंजन मींस ऊपर का वेरिएंट, टॉप मॉडल, मतलब आपका बजट 20-22 लाख रुपए का है वी आर अज्यूमिंग की। लेकिन और अगर आपका बजट इतना ज्यादा है कि आप टॉप मॉडल ले रहे हो, तो समझदारी भी यही बनती है कि टॉप मॉडल लेने का मतलब आपको सेल्टोस ही लेनी चाहिए ओवर क्रेटा, बिकॉज काफी सारे फीचर्स मिसिंग है क्रेटा के अंदर। बेसिक फीचर फॉग लाइट, फॉग लैंप नहीं है, मतलब काफी फीचर जो है मिसिंग है। हाँ, जो कि हेड्स अप डिस्प्ले नहीं है उसके अंदर, सेल्टोस में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर टॉप एंड वेरियंट खरीद रहे हो और आपकी चॉइस के अंदर क्रेटा और सेल्टोस दोनों और कंफ्यूज हो, तो सेल्टोस ले लेना भाई, उसके अंदर आपको 5-7-10 फीचर ज्यादा ही मिलेंगे गाड़ी के। एंड गाड़ी सुंदर है, प्रेजेंटेबल है, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है कंपेयर टू क्रेटा। बिल्कुल, अगर आप नीचे का बेस मॉडल ले रहे हो, नीचे का वेरियंट अगर आप ले रहे हो, या क्रेटा ही लेना है, अगर आपने बेस वेरियंट लेना तो क्रेटा ही लेना है, क्योंकि टॉप एंड मॉडल बना देंगे और सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू जो है ना वो ब्रांड नेम क्रेटा का ही है। बहुत बड़ा भोकाल है, छोटा मॉडल लो, नीचे का मॉडल लो और मार्केट में चले जाओ भैया, आप देख सकते हो टिंकू पप्पू मैकेनिक जितने भी हैं सब लगे हैं टॉप बनाने में, उसको सारा आफ्टर मार्केट सामान है उसका आ चुका है बाजार के अंदर, पूरी बैक की डिक्की से लेके आगे के बोनट तक, बंपर तक सब नए आ चुके हैं मार्केट में, ओरिजिनल अलॉयज भी आ गए हैं, कंपनी का ओरिजिनल सामान आपको बाहर मिलेगा देखने कंपनी से सस्ता। तो बेस मॉडल लेना तो भैया क्रेटा का लेने में बहुत 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 ज्यादा अकलमंदी है। अगर आप मिड वेरिएंट ले रहे हो तो वही बात, आप किसी का भी ले सकते हो जहां से सनरूफ शुरू हो रही है, अगर आपको सनरूफ वाला वेरिएंट लेना है, क्योंकि अब तो सेल्टोस में भी सनरूफ आ चुकी है, पहले क्या था सिर्फ क्रेटा में आती थी, लेकिन अब दोनों गाड़ियों में सनरूफ है। तो अगर मेरी चॉइस पूछोगे तो टॉप एंड मिड वेरिएंट्स में सेल्टोस को मैं प्रेफरेंस देना चाहूंगा। जब सेल्टोस आई थी ना तो वो इतनी पसंद नहीं आई थी वो देखने में, लेकिन क्रेटा आने के बाद सेल्टोस ज्यादा अच्छी लगने लगी। मैं यही कह रहा था कि जब क्रेटा को देखा ना तो हमें लगा यार सेल्टोस तो हम फालतू में कह रहे थे ओवरडन तो ये है, तो जब क्रेटा आई तो भाई साहब सेल्टोस और सुंदर लगने लगी हमें। तो भैया इस सेगमेंट के अंदर और गाड़ियां आ जाती है, टाइगोन, कुशाक, एलिवेट, ग्रैंड विटारा और हाई राइडर। देखो भैया पैनारोमिक सनरूफ ग्रैंड विटारा और हाई राइडर में भी आ रही है, अब ये कुशाक, टाइगोन और एलिवेट ये तीन रह गई हैं जिनके अंदर छोटी सनरूफ आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं एक ना बिकने का उनका कारण एक और भी है कि सेल इनके अकॉर्डिंग कम है। ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, इवन एस्टर के अंदर भी पैनारोमिक सनरूफ आती है, बहुत सुंदर लगती है। तो लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं क्रेटा और सेल्टोस की, मेरी जो चॉइस रहेगी वो रहेगी सेल्टोस। दक्ष तेरी क्या चॉइस रहेगी? सेल्टोस ही रहेगी। दोस्तों दोनों गाड़ियां हमने ठोक बजा के बहुत अच्छे से टेस्ट कर ली हुई है, Each and everything, fit and finish से लेके किया एक एज ऊपर आ गया हुआ। एंड अब अगर हम बात करें कि जो दोस्त हमारे भाई लोग के मन में शंका रहती है कि रीसेल किसकी बेटर मिलेगी, अगर मैं टॉप मॉडल क्रेटा का लेता हूँ या सेल्टोस का लेता हूँ या मैं कोई भी वेरिएंट लेता हूँ, बेस, मिड, कोई भी वेरिएंट लेता हूँ, तो 5-6 साल बाद जब मैं बेचूंगा तो मुझे रीसेल वैल्यू किसकी जो है ज्यादा देखने को मिलेगी, क्रेटा या किया या क्या? तो भैया क्रेटा की रीसेल वैल्यू आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पुराना नाम है। बिल्कुल, लेकिन वैल्यू किया सेल्टोस की भी कम नहीं है, क्योंकि नेटवर्क उन्होंने भी उतना ही तगड़ा बना लिया हुआ। अब बात आ जाती है सिर्फ इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस बोले जा रहे हैं सेल्टोस और क्रेटा वालों के द्वारा, हुंडई और किया के द्वारा, कि हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो मैं भैया हाथ जोड़ के इन दोनों कंपनी से विनती करता हूं कि इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग निकलवा के पब्लिक का मिथ जो डाला हुआ दिमाग में, शंकाएं घूम रही हैं, आप जो इतने स्ट्रक्चर इसके दिखा रहे हो, भैया प्रूफ करके दिखाओ, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट चाहिए हमें, सर्टिफाइड करवा के दिखाओ कि ये गाड़ियां 5-star हैं विद अ स्टेबल बॉडी सर। और अगर इन गाड़ियों के 5-star रेटेड ये निकल आती है तो कोई भी और गाड़ी कंसिडरेशन में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत वैल्यू फॉर मनी है ये गाड़ियां, बस एक ही कमी है
सेफ्टी की। अब तो खैर दोनों कंपनियां बिकॉज सेम ही है, तो हुंडई ग्रुप क्या कर रहा है सेल्टॉस में भी एंड क्रेटा में भी आपको बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग दे रहा है। मतलब आप चाहे बेसिक वेरिएंट लो या चाहे आप टॉप एंड वेरिएंट लो, आपको दोनों के अंदर जो है 6 के 6 एयरबैग देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छा। इनके अंदर सबसे अच्छा इंजन जो है वो 1.5 टर्बो है, डीजल से भी बेटर परफॉर्म करता है वो इंजन जो है। दोस्तों जो डीजल लवर्स हैं, जो कि सेल्टॉस और क्रेटा में डीजल लेने की सोच रहे हैं कि भाई साहब हमारी कंसिडरेशन में तो डीजल है, तो उनको मैं बता दूं कि यार अब जो हुंडई है वो यही डीजल इंजन जो है वेन्यू और सोनेट में भी देने लग गया। बिल्कुल सेम इंजन आ रहा है उसके अंदर और एवरेज ज्यादा देता है उसके अंदर। मतलब जो इंजन आप क्रेटा में 24-23 लाख रुपए का खरीदोगे, वही इंजन आपको वेन्यू के अंदर मिल रहा है, सेम इंजन सेम स्टेट ऑफ ट्यून के साथ। डीजल इंजन अच्छा खासा है दोस्तों इसका, लेकिन जो सबसे अच्छा इंजन है इसके अंदर वो है 1.5 टर्बो जो लाजवाब परफॉर्म करता है। लेकिन किया सेल्टॉस के अंदर वो इंजन की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, ज्यादा स्टेबल लगती है हाई स्पीड के ऊपर, वो इतनी स्टेबिलिटी क्रेटा की नहीं है हाई स्पीड पे जो टर्बो इंजन जो, क्योंकि कहीं ना कहीं सस्पेंशन क्रेटा के सॉफ्ट है, सिटी के हिसाब से ज्यादा बेटर ट्यून कर रखे। और अगर मिड वेरिएंट के अंदर देखें, मिड वेरिएंट के अंदर भी सेल्टॉस ज्यादा बेटर है, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगती है वो गाड़ी, सोफिस्टिकेटेड लगती है क्योंकि यार मिड वेरिएंट क्या है वो नेचुरली एस्पिरेटेड में टॉप मॉडल ही है वो बेसिकली। हाँ। जो है काफी महंगा है यार वो भी, वो बहुत भी काफी महंगा है। लेकिन अगर आप बेस वेरिएंट ले रहे हो दोस्तों तो आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ क्रेटा का, अकलमंदी उसी के अंदर है। अगर ऊपर के वेरिएंट्स में छलांग मार रहे हो तो सेल्टॉस उठा लेना चुपचाप जो। एंड डीजल तो हम प्रेफर नहीं करेंगे इन गाड़ियों की भाई साहब। अगर एक मुझे बात बताओ, अगर आपको 14.5 लाख रुपए की 15 लाख रुपए की अगर आप क्रेटा वगैरह ले रहे हो, तो बेटर है कि थोड़ा पैसा ज्यादा डाल के स्कॉर्पियो एन के बेस मॉडल ले लो डीजल के अंदर, वो नेक्स्ट लेवल डीजल इंजन है। बिल्कुल ये गाड़ी इतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं है डीजल में, लेना ही क्यों यार। सही बात है, क्योंकि सेफ्टी का भी कहीं ना कहीं कंसर्न है यार, जितना मर्जी एंड वेन्यू वाला बोल ले, मैं मान नहीं सकता कि ये इस गाड़ी के अंदर जब ड्राइव क्वालिटी के अंदर चेंजेस नहीं है। अगर प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा इनको पूरा, थोड़े बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस करने से क्या थोड़ा सा बिल्ड में इम्प्रूवमेंट हो गई होगी, लेकिन भैया स्टेबिलिटी कहाँ से लाएंगे, ये प्रूफ करके दिखाए। ये ना हो कि वरना की तरह 64 पे अनस्टेबल आई है जो है गाड़ी, बॉडी शेल अनस्टेबल है। तो भैया बहुत लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं कि भैया आप तो हेटर हो, हेटर हो, हेटर नहीं है हुंडई की। मैंने कई गाड़ियां रखी हैं, एसेंट थी, सोनाटा थी मेरे पास गाड़ी, मैंने खुद रखी है, 6 सिलेंडर गाड़ी थी हुंडई की। हम सिर्फ सच्चाई जो है आपको बताते हैं कि हमारे भाइयों का पैसा अगर लग रहा है तो वो गलत जगह ना लगे, अगर वो लगा भी रहे हैं कहीं पे तो उनको पूरी नॉलेज हो। तो आज के वीडियो में आपको बता दिया कि अगर आप सेल्टॉस ले रहे हो तो कौन सा मॉडल लेना, और क्रेटा ले रहे हो तो कौन सा मॉडल लेना है। कंफ्यूज और अगर दोनों में कंफ्यूज हो और अभी भी कंफ्यूज हो सारी बातें सुनने के बाद, तो ये नीचे हमारा नंबर आ रहा, नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अगर सब्सक्राइबर हो तो आपको रिप्लाई जरूर आएगा, रिप्लाई थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन रिप्लाई देंगे जरूर अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो। एंड हमारे साथ कॉल पे भी आप जुड़ सकते हैं, कॉल बुक करा सकते हैं। अब तो वीडियो कॉल की भी फैसिलिटी अवेलेबल हो चुकी है, वीडियो कॉल भी आप हमारे साथ कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो दोस्तों जल्दी से मैसेज करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जींदे फसदे रहो, चढ़दी कला चरो।